बराबर रखो, हाथ बराबर रखो। एक डाउन, दो डाउन, तीन डाउन, चार डाउन, पांच डाउन, छह डाउन, सात डाउन, आठ डाउन, नौ डाउन, दस डाउन, ग्यारह डाउन, बारह, गुड गुड गुड, डाउन, रिलैक्स। तो जय हिंद दोस्तों। दोस्तों बहुत भाई लोगों को कमेंट आ रहा था कि भाई बीम के ऊपर वीडियो लाओ, कैसे कर सकते हैं, 40 मार्क का होता है दोस्तों, इसमें 10 बीम कैसे लगाए, बहुत बंदे से नहीं लगता बिल्कुल भी। वीडियो पूरा एंड तक देखना, जिससे 3-4 लगता है वो भी कर सकता है, जिससे बिल्कुल नहीं लगता वो भी कर सकता है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, सिर्फ आपको बीम लगवा के नहीं, हर एक छोटी छोटी एक्सरसाइज बताने वाला हूं। वीडियो एंड तक देखोगे जब आप धीरे धीरे समझ जाओगे। सबसे पहले दोस्तों हम चलेंगे, ओके सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, आ जाओ। सबसे पहले दोस्तों जल्दी, सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, बीम के लिए हम सबसे पहले ये कर सकते हैं, इससे क्या आपका हमारे शोल्डर में पावर आएगा, नॉर्मल बीम कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जिससे होता है वो करें, ठीक है, ये कर सकते हो, छोड़ छोड़ के भी आप कर सकते हो और कंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, ओके रेडी, ओके स्टार्ट, छोड़ के फिर पीछे लग जाना, छोड़ के पीछे लग जाना, रेडी, छोड़ के पीछे लग जाना, लाइन में तो चलते रहो, चलते रहो। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज करोगे तो आपके शोल्डर में पावर होगा। ये किसके लिए है, जिससे बिल्कुल भी नहीं होता, जो था कि हाँ भाई ऊपर होता ही नहीं है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, जिससे बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ओके स्टॉप 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 स्टॉप। दोस्तों फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि मान के चलो आप, आपसे बिल्कुल नहीं होता, ये वीडियो उसके लिए है भी जो मैं चीज बता रहा हूँ, जिससे बिल्कुल बीम नहीं होता। आप एक बार इधर आ जाओ, इसके बाद क्या करना है, हमें नॉर्मल होल्डिंग कर सकते हैं, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, होल्डिंग कर सकते हैं, इसमें पैर रखा, ये आप होल्डिंग कर सकते हैं, उसमें नॉर्मल लैग सीधी रख के, चलो 3-4 जने आ जाओ, उसमें 3-4 जने, बाकी पीछे पीछे हो जाओ, बाकी सारे पीछे हो जाओ, ठीक है। तो दोस्तों आप देखो इसमें, इसमें आपका होल्डिंग रखना है, ज़्यादा पैर ऊपर नहीं रखना, नीचे रखो इसे, नीचे रखो, हाँ। इसमें आपको ट्राई क्या करना है, आपका मेन फोकस इस पे आएगा, शोल्डर पे, और इसमें आपको जो एल्बो का प्रॉब्लम होता है वो भी दूर होगा, लेकिन इसमें हाथ का पोजीशन आपको सामने रखना, थोड़ा अंदर करो, अंदर करो इसको, अंदर करो, बैक सीधी। ये दोस्तों आप कर सकते हो, आपको मैं पहले बता रहा हूँ, जो जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, हफ्ते में 3 दिन करना, यानी कि रोज़ रोज कर रहे हो, अगर रोज़ रोज करोगे तो हाथों पे लोड आएगा, तो दर्द होगा, तो आपका उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जो भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ 3 बार आप कर सकते हो, पूरे हफ्ते में 3 बार आपको सेम टू सेम ऐसे करना है। ये एक एक मिनट की, चाहे 30 सेकेंड हो, ये होल्ड करना है उसमें आपको, ठीक है, ये एक्सरसाइज होगी। ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिससे मान के चलो होता नहीं है, थोड़ा बहुत भी होता है, तो उल्टा खड़ा होना है, कहीं आपके पास दीवार है, चाहे कुछ भी हो, दीवार पे पीछे हो जाओ, दीवार है तो आप सपोर्ट ले सकते हो, मैं इसका सपोर्ट लेके आपको करके दिखाता हूँ। ओके दोबारा आपको सेम टू सेम दोस्तों ऐसे करना है, इसमें आपका शोल्डर में पावर रहेगा। ओके दो जने आ जाओ करने वाले, जल्दी दो जने, जल्दी दो जने, जल्दी पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, ओके रेडी, ओके स्टार्ट, गुड गुड गुड, दोबारा 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 दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में होता है, दिक्कत होती है, बट लेकिन आपका हो जाएगा, रिलैक्स, नहीं नहीं करो करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई, ओके पास आ जाओ। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं, जिस बंदे से बिल्कुल नहीं होता बीम, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, एफर्ट यहाँ पे लगेगा आपके, एफर्ट यहाँ पे लगेगा आपका, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपसे नहीं होता तो आप सपोर्ट ले सकते हो किसी का हाथ से, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा होल्ड कर करके, जिस पहले स्टार्टिंग में 20 सेकंड कर लिया, फिर 30 सेकंड कर लिया, उसके लिए, ठीक है, रिलैक्स। ओके अब इसके बाद दोस्तों मैं एक्सरसाइज करूँगा,
हाथ पे चलने वाला, नॉर्मल सी बात है। खड़े हो जाओ सारे के सारे उधर, खड़े हो जाओ वहाँ पर लाइन में, खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। पार्टनर बना लो, सिर्फ तीन बंदे आगे रहेंगे। जाओ पैर पकड़ो और बना दो भाई, ठीक है। इसमें क्या देना है दोस्तों आपको ध्यान, इसमें पैर पकड़ के आपको चलना है। और आपको मैं क्लियर कर दूँ, जो हाथ का ये आपका हाथ शोल्डर के, ये जो शोल्डर है इसके बराबर होना चाहिए और धीरे धीरे चलना है। इससे आपका जो एल्बो का भी प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे चलेगा, जो शोल्डर में पावर आनी चाहिए वो पावर आ जाएगी। ये सब ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी बिम में बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगी, जरूरी नहीं है कि बिम में ही हेल्प कराए, रनिंग में भी हेल्प कराएगी। अब कैसे करना देख लो। ओके रेडी, ओके स्टार्ट। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो दोस्तों सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है, मैं आपको वीडियो में थोड़ा दिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, इससे आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम फिर दोबारा बिम पर। बिम पे मैं आपको बताऊंगा कि बिम वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको रोज करनी है। कैसे करनी है रोज, जिससे बिल्कुल नहीं होता उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ओके बिम में आ जाओ, सारे के सारे उधर खड़े हो जाओ। ओके रेडी, अप। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जिससे बिल्कुल बिम नहीं होता, ये नए बच्चे आए हैं कुछ ज़्यादा एक हफ्ते हुए हैं, इनसे अभी बिम पे काम नहीं करवाया। जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ अगर ढंग से फॉलो कर लिया तो आपका एक महीने में रिजल्ट आएगा। मैं एक दिन में नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें टाइम लगता थोड़ा। अब जैसे कि इनसे बिल्कुल नहीं होता, इनको ऊपर जाना ही नहीं है, बस हल्का करना है, हल्का करना है, फिर नीचे जाना है। जैसे कि एक, बस डाउन, दो डाउन, तीन डाउन। तो दोस्तों आप ऐसे करवा सकते हो 10-10 की साइड। इससे क्या है, बंदा थोड़ा करते रहेगा, इसमें मसल में पावर आ जाएगा, ऑटोमेटिक किसी दिन एक दो करना स्टार्ट हो जाएगा। इनसे बिल्कुल नहीं होता इसलिए मैं करवा रहा हूँ, और आपसे बिल्कुल नहीं होता तो आप लटके रह सकते हो। कैसे लटकना है अभी देखना आपको। ओके एक डाउन, दो डाउन, तीन डाउन, चार डाउन, पांच डाउन, छह डाउन, सात डाउन, आठ डाउन। तो दोस्तों आप ऐसे कर करके आप करा सकते हो, कोई हाथ नहीं छोड़ेगा। इसमें दोस्तों होल्डिंग रखना है। अब ऐसे करने के बाद आपका एफर्ट यहाँ पे लगने लग जाएगा, इसमें आपको होल्ड रखना है। होल्ड से आपका ऑटोमेटिक पावर आएगा, जिससे बिल्कुल नहीं होता वो सिर्फ लटकने की कोशिश करेगा। जीव होता है बिल्कुल मोटा सा है, हैवी सा है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये है, रिलैक्स। जैसे मान लीजिए दोस्तों ज़्यादा हैवी सा है, आप देख सकते हो फैट, ठीक है। जो हैवी सा है वो सिर्फ लटके रहे। नॉर्मल लटकना कैसे है, आपको क्या करना है, नॉर्मल पकड़ा है इसे आप बोला, ठीक है, नॉर्मल ऐसे लटके रहो, ठीक है। अगर और भी करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो नॉर्मल सी बात, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज थी, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा आपको, ये नॉर्मल एक्सरसाइज थी। ये सब अगर आप फॉलो करोगे आपका इंप्रूवमेंट आएगा। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है, जैसे कि आप रनिंग करके आओ चाहे रेपिटेशन लगा के आओ, जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है आपको कुछ नहीं करना, आपको पुशअप लगाना है। नॉर्मल पुशअप किस पोजीशन में लगाना है ये समझ लो मेरी बात। इधर देख लो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पुशअप का जो पोजीशन है, आपका शोल्डर के सामने हाथ होना चाहिए नॉर्मल। पुशअप कैसे लगाना है, होल्ड अप, होल्ड अप, ऐसे करके पुशअप लगाना है। होल्ड करोगे तब आपके पावर बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। और दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं, इसके बाद आप प्लैंक भी कर सकते हो। प्लैंक और ये पुशअप ये रोज कर सकते हो, थोड़ी बहुत रोज कर सकते हो। और जो चीज़ एक्सरसाइज बताई है मैंने उसके 2 या 3 सेट अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो आप, प्लैंक हो जाता है, प्लैंक होल्डिंग ही हो सकता है। इससे क्या आपके शोल्डर पे पावर आएगा, और इसके करने के बाद प्लैंक अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। इससे करने से आपका मसल में ऑटोमेटिक पावर आने लगेगा। ये सब आप धीरे धीरे करोगे, लेकिन एक बार बता दूं, अकेले मत करना, ग्रुप में करोगे तो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट आ रहा है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। खाना पीना कैसा मिल रहा है, अच्छा सर। ग्राउंड कैसा है, अच्छा सर। हॉस्टल कैसा है, अच्छा सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्राउंड की वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, हॉस्टल आपको दिख रही होगी। ये सब हमारे पास बहुत फैसिलिटी, आइस बाथ की फैसिलिटी। आपको मैंने आइस बाथ करवाया, कैसा लगा, अच्छा सर। आइस बाथ से रिलैक्स हुई, यस सर। आपको बता दूं दोस्तों, हमारे एकेडमी में आइस बाथ की फैसिलिटी है। ये सब आप एक्सरसाइज फॉलो करो, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।